अब नॉर्मल या फिर इस तरह से नॉर्मल हाथ ले जाओ, ठीक है। इसके बाद हमने एक नोट करके लिखा है, क्या लिखा है नोट करके बोलो, नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल साइनस रिदम का मतलब क्या होता है, इसमें इधर मत देखो, नॉर्मल साइनस रिदम वर्ड नहीं देखा है आप लोगों ने, ऐसे नोट, ऐसे नोट जनरेट करता है तो उसे बोलते हैं। जब हम 20 ईसीजी करते हैं और 20 ईसीजी नॉर्मल आती है या फिर सही होती है तो लिखा आता है, और ये रिजल्ट लिखा आता है, ईसीजी मशीन रिजल्ट लिख के भेजती है ना, 20 ईसीजी हम प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसमें लिखा आता है नॉर्मल साइनस रिदम, या फिर एंटीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI, जो भी अबनॉर्मलिटी आती है ईसीजी में। तो अब जो मशीन आती है उसमें प्रिंट होके आता है, ईसीजी में चेंजेस तो आते ही हैं, जो आते हैं MI के टाइम पे ST elevation, depression, जो भी आ रहा है TV version, but print होके भी आता है, ठीक है, latest technology में। तो वहाँ पे लिखा आता है normal sinus rhythm। normal sinus rhythm का मतलब, normal sinus का मतलब SA node अपनी activity normal कर रहा है और SA node सही से impulse generate कर रहा है जिसकी वजह से proper rhythm हमें मिल रही है, उसी का मतलब है normal sinus rhythm। मतलब जो रिदम है वो ऐसे नोड से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मल साइनस रिदम इज अ नॉर्मल थिंग जो सभी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए नोट करके लिखा है। उसके अंदर हार्ट रेट कितनी मिलती है हमें, 100 कैसे होती है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब है जैसे पहले अभी बना TQRSNT, फिर दोबारा से फिर सेम जैसे ये वाला बना है वैसे ही क्या बना है, फिर से PQRSNT। समझ आया, रेगुलर का मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स या एवरी जो भी सीरियस प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, क्लियर। रिपीट हो गया, रेगुलर इंटरवल ऑल इंटरवल्स, TR इंटरवल, QT इंटरवल आर हमने नॉर्मल लिमिट। समझ आ गया, जो हमने पिछले टाइम पढ़ा था वो है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बोलो, ये भी सभी दुनिया में नहीं आता है, ये नोट करके लिखा है जो नॉर्मली देखने को मिलता है। समझ आ गई सभी को, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ डिसरिथमियास, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसरिथमियास हमने पहला क्या लिखा है, साइनस टैकीकार्डिया। इधर देखो बोर्ड पे देखो सब क्या लिखा है, साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट मोर देन 100। साइनस का मतलब ऐसे में कुछ अबनॉर्मलिटी होने की वजह से हार्ट रेट बढ़ गई है, तो हार्ट रेट इसमें कितनी मिलेगी हमें, 100 बीट्स पर मिनट। ईसीजी कैसे मिलेगी, रेगुलर। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि PQRST की जो भी कॉम्प्लेक्स बनने हैं वो ज्यादा बनेंगे, है ना। अगर आप आर वेव को हम काउंट करते हैं, हमने हार्ट रेट कैलकुलेट करी थी, आर में जितनी होगी उतनी बार हार्ट में क्या किया होगा, हार्ट रेट क्या होगा, तो अभी भी ऐसा ही मिलेगा जो नॉर्मल साइनस रिदम में मिलता है, PQRST सब वही मिलेगा, बट ये ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलने की वजह से मतलब कौन सी रेट ज्यादा बार आ गई, आर में ज्यादा हार्ट रेट आएगी तो हार्ट रेट भी ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा, 100 से लेके 180 तक। सेम होगा इसमें, इंटरवल्स भी कैसे है, नॉर्मल होंगे। साइनस टैकीकार्डिया इज सेम एज नॉर्मल साइनस रिदम एक्सेप्ट याद है ना, पीछे ECG में इंटरवल्स 3 और 3, तो वो सबकी जो भी वैल्यू थी वो उन्हीं के अंदर।
ईसीजी में कितनी है, बस टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया इज सेम एज नॉर्मल साइनस रिदम, सारे इंटरवल्स जो भी हमने पढ़े कितने सेकंड के थे वो सब कुछ सेम है, सेगमेंट कितने सेकंड खत्म हो भी सेम है, सारी ईसीजी हमें एकदम सही दिख रही है ना, नॉर्मल ईसीजी लोगे और ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया वाली देखोगे तो मतलब सब कुछ सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द हार्ट रेट। समझ आया यस और नो? यस सर। ब्रैडीकार्डिया के कॉजेस समझे क्या लिखा है, पहला कौन सा ड्रग लिखा है, डिजॉक्सिन क्या है, कार्डियक स्टिमुलेंट या कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आता है, जब मैं हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा, और डिजॉक्सिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आ भी चुके और आते रहते हैं, डिजॉक्सिन से रिलेटेड डिजॉक्सिन की ड्रग की डोज कितनी होती है, डिजॉक्सिन देने के बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या होती है, जाकर हमें चेक करना होगा, मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आए, जब मैं हार्ट फेलियर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, यहाँ पे बस एक शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि डिजॉक्सिन देने की वजह से अगर डिजॉक्सिन की ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट को क्या हो सकता है, साइनस ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। एक्चुअल में डिजॉक्सिन हम हार्ट फेलियर में देते हैं, जब हार्ट हमारा अच्छे से पंप नहीं कर पाता तो हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, डिजॉक्सिन, ठीक है। डिजॉक्सिन देने की वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, बट हार्ट रेट कम करता है, बट हार्ट रेट कम करता है मतलब 60-100 तक ही होनी चाहिए, लेकिन अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम कर दी मतलब कितने से कम कर दी, 60 से कम, तो पेशेंट किसमें चला जाएगा, साइनस ब्रैडीकार्डिया। डिजॉक्सिन का एक साइड इफेक्ट है ब्रैडीकार्डिया, अगर ब्रैडीकार्डिया हो रहा है डिजॉक्सिन देने के बाद तो हमें डिजॉक्सिन को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। समझ आया कुछ, समझ आ रहा है, फास्ट तो नहीं बोला मैंने, समझ आ गया। डिजॉक्सिन इज गिवन इन हार्ट फेलियर, डिजॉक्सिन इंक्रीजेस द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हार्ट फेलियर में हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, डिजॉक्सिन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बट डिक्रीज द हार्ट रेट, हाउ व्हेन हार्ट रेट डिक्रीजेस देन इट शुड बी बिटवीन 60-100, बट इफ इट गोज बिलो 60 देन द पेशेंट मे गो इनटू साइनस ब्रैडीकार्डिया, इफ दिस कंडीशन इज अकॉर्डिंग टू डिजॉक्सिन देन वी हैव टू विथहोल्ड डिजॉक्सिन। समझ आया। दूसरा क्या लिखा है, हाइपोथायरॉइडिज्म में कैसे होगा ब्रैडीकार्डिया, हाइपोथायरॉइडिज्म में हाइपो मतलब जितना ज्यादा थायराइड के हार्मोन्स ज्यादा होंगे हमारा BMR ज्यादा होगा, T3 और T4 जितना कम होगा, थायराइड हार्मोन्स जितने कम होंगे BMR उतना कम होगा, BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो थायराइड लेवल ज्यादा होगा, T3 T4 ज्यादा होंगे, मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ जाएगा, जब ये ज्यादा होंगे तो सब कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। थायराइड लेवल ज्यादा मतलब T3 T4 ज्यादा, T3 T4 ज्यादा मतलब मेटाबॉलिज्म ज्यादा, मतलब सब कुछ टूटेगा बॉडी में, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। अब इसका उल्टा कर दिया, थायराइड लेवल कम तो T3 T4 कम, T3 T4 कम तो मेटाबॉलिज्म कम, मतलब बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाएगी, बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, पूरे बॉडी के बल भी कम हो जाएगा, तो हार्ट भी कम पंप करेगा, मतलब धीरे कम काम करेगा। समझ आया कुछ, तो हाइपोथायरॉइडिज्म में साइनस ब्रैडीकार्डिया देखने को मिल सकता है। समझ आया कुछ, तीन बातें याद रखनी है, थायराइड लेवल ज्यादा होगा तो T3 T4 ज्यादा होगी, सब कुछ बॉडी में बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बट अगर थायराइड लेवल कम हो रहा है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है, तो सब कुछ कम हो जाएगा, T3 T4 कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, बॉडी के फंक्शंस कम हो जाएंगे, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, बट इतना कम ना हो जाए कि इससे कम चला जाए, इससे कम ऑपरेशन ना कर जाए, तो ये कुछ रीजन कॉजेस है, ठीक है। और भी कॉज हो सकते हैं, मैं एक जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा है, साइनस ब्रैडीकार्डिया का ट्रीटमेंट, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ट्रीट द कॉज, जो भी ब्रैडीकार्डिया का कॉज है उसको ट्रीट करो। अगर कोई कॉज नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें देखा जाता है साइनस ब्रैडीकार्डिया,
एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उनका हार्ट रेट 60 से कम मिलता है, 50-55 ऐसा मिलता है। ये मैंने एक बात बताई था, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन समझ आया? अभी मैंने ब्रेडी कार्डिया के दो रीजन बताए, फिर मैंने बताया एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन में साइनस ब्रेडी कार्डिया देखने को मिलता है उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज में, और उनको उनकी बॉडी पे कोई ऐसा कुछ डेंजरस इफेक्ट भी नहीं दिखता है, बस उनकी हार्ट रेट कम रहती है। तो ऐसा क्यों? हाइपोथायरायडिज्म के अलग रीजन मैंने बता दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ कि एथलीट्स, अब ऐसा थोड़ी ना हर एथलीट में हाइपोथायरायडिज्म होगा है ना, उसका कुछ और रीजन है, नेक्स्ट क्लास में पता करके आना, ठीक है, कि व्हाई स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स हैव लेस हार्ट रेट या फिर हार्ट रेट या फिर ब्रेडी कार्डिया। समझ आया? ठीक है, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीट द कॉज। सेकंड क्या लिखा हुआ है? एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन जो होता है वो हमारे SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जब भी SNS स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। समझ आया? ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, ब्रेडीकार्डिया है तो ब्रेडीकार्डिया ट्रीटमेंट क्या होगा, हार्ट रेट को बढ़ाना, तो ऐसी ड्रग दे दो जिससे हार्ट रेट बढ़ जाए। तो कौन सी ड्रग है वो? एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट को प्री ऑपरेटिव ड्रग में भी यूज करते हैं, मतलब ऑपरेशन से पहले या फिर कोई भी ओटी प्रोसीजर से पहले एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, तो उसका फायदा भी मिलेगा। और कोई रीजन एट्रोपिन सल्फेट का? तो एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो हमारे एट्रोपिन सल्फेट डिक्रीजेस द ओरल सीक्रीशंस, जितने भी बॉडी के सीक्रीशंस हैं एट्रोपिन उनको कम कर देता है। तो ऑपरेशन के टाइम पे पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया, मोस्टली को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे उसके जो रेस्पिरेटरी ओरल कैविटी में सीक्रीशंस है, एनेस्थीसिया के टाइम पे वो पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। तो इसलिए बिफोर ऑपरेशन या बिफोर ओटी प्री ऑपरेटिव ड्रग की तरह यूज करते हैं, कौन सी ड्रग? एट्रोपिन सल्फेट। समझ आ रहा है? टू डिक्रीज द ओरल सीक्रीशंस टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। एट्रोपिन सल्फेट हार्ट रेट को बढ़ाता ही है। अब देखो याद करना बहुत आसान है, एट्रोपिन सल्फेट SNS को क्या करता है? स्टिमुलेट। जब SNS स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन गैस्ट्रिक की और ओरल सीक्रीशंस कैसे हो जाते हैं? जो सी को जाते हैं पैच फॉर्म में, ऐसे एक पैच होगा, ठीक है,